अखबार का गोडाउन है या कबाड़ खाना? पता नहीं कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में जो अभी यहां पर काम करना पड़ रहा है। ये कुछ काम की लगती है। कम से कम 500 तो मिल ही जाएंगे इसके। अरे ये सब की ये आज हो क्या रहा है? फिर से मैं देखता हूं क्या है, शायद कुछ मिल जाए। किससे पूछूं? ये क्या है? इसमें कुछ हो सकता है। कुछ तो मिल जा। साहब, हाँ बोलो। दो लड़कियां आई हैं, कह रही हैं कि उनके आज से यहाँ नौकरी लग गई है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। जी साहब। सर, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। होना भी चाहिए,
क्योंकि हमारा अखबार इस देश का सबसे बेहतरीन अखबार है, इट्स नंबर वन। आइए मैं तुम्हें बाकी के स्टाफ से मिलवाता हूं। एक्सक्यूज मी, ये दोनों लड़कियां आज से आप सबके साथ काम करेगी। यह है दिशा और क्या नाम बताया आपने? शोभा सर। शोभा। यह है मिस्टर सैम। हाय दिशा, आई एम सैम। इसकी सूरत पर मत जाइए, इसका दिमाग नुकीली छुरी की तरह तेज है और जर्नलिस्ट का दिमाग तेज होना बहुत जरूरी है। और यह है मिस्टर रमेश, यहाँ के सबसे पुराने एम्प्लॉय। नमस्ते। नमस्ते। और यह है मिस्टर सुमित, एक नंबर के आलसी टट्टू, काम से ज्यादा ये लड़कियों में दिलचस्पी रखते हैं। सर ये आप क्या कह रहे हैं, ये दोनों डर जाएंगी। और एनीवेज आई एम सुमित। हाय शोभा, सो कैन वी बी फ्रेंड्स? देखा कितनी जल्दी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया महाशय। चलिए आप सब अपने अपने काम में लग जाइए। yes, आइए मैं आपको आपकी जगह बता दूं। आइए। एक्सक्यूज मी, क्या नाम बताया आपने? शोभा। शोभा। शोभा, ये है आपकी जगह। और दिशा आइए, ये है आपकी जगह। दिशा जी सर, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि कई वर्षों के बाद आप जैसी ब्राइट स्टूडेंट हमारे यहाँ हमारे अखबार में आई हैं। एंड आई होप तुम इन उम्मीदों पर खरी उतरो। थैंक यू सर, मैं जी जान से मेहनत करूँगी सर। श्योर। हाँ शोभा, शोभा आपका रिकॉर्ड ठीक ठीक सा है। अगर आप आगे बढ़ना चाहती है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, बिल्कुल दिशा की तरह। शोभा एक काम करो, आप पिछले 15 दिनों के अखबार पढ़ना शुरू करो और देखो पिछले 15 दिनों में इन शहर में कितनी चोरियां हुई हैं। आई वॉन्ट ऑल द रिकॉर्ड। ओके सर, प्लीज स्टार्ट। और दिशा तुम मेरे साथ एक न्यूज रिपोर्ट पर काम करोगे। एक बहुत ही सनसनीखेज न्यूज रिपोर्ट है और अपने अखबार के लिए बेहद जरूरी है। मैं तुम्हें इसके सारे डिटेल्स दे देता हूँ और कैन स्टार्ट राइटर। थैंक यू सर, प्लीज डू। ये तो अखबार का गोदाम लगता है। हाउ एक्साइटिंग, देखना चाहिए। पुरानी प्रिंटिंग मशीन, अमेजिंग। ये काम भी करती होगी क्या?
उसकी लाइफ को क्या हुआ? ये मशीन तो काम करती है। तो खाली है। अरे क्या हुआ? मैं हूं सैम, क्यों चौंक रही हो? नहीं वो बस ऐसे। ये क्या है? कुछ नहीं। देखो दिशा, मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो। यू नीड ए गुड नाइट स्लीप। चलो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ठीक है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे भी रात के 2 बज रहे हैं, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। चलना चाहिए। ओके ग्रेट, लेट्स गो। अभी तक नहीं आई। लगता है अभी तक महारानी उस खास रिपोर्ट पर काम कर रही। देखती हूँ जरा कि ऐसा क्या है उस खास रिपोर्ट में जो उस एडिटर ने मुझे ना देखा उस दिशा को दी।
ये पेपर कहाँ गया? कहीं किसी के हाथ तो नहीं लग गया? जागते रहो। ओह, तो ये है वो खबर जिस पर दिशा काम कर रही है। अगर ये खबर छप गई तो दिशा को रातों रात मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस वक्त कौन आया? कहीं किसी ने मुझे अंदर आते तो नहीं देख लिया? शोभा, इतनी रात को तुम यहाँ? कुछ नहीं, थोड़ा काम था। सर ने मुझे कुछ ढूंढने को कहा था। लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये कुछ भी तो नहीं, रद्दी अखबार है, फालतू है। ये दरवाजा किसने बंद किया? पता नहीं। ये फट क्यों नहीं रहा है? शोभा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई है नहीं? नहीं शोभा, यहाँ कोई नहीं है। कोई है नहीं यहाँ पे। शोभा, तुम ठीक तो हो ना? कल देर रात जागते रहो अखबार की एक नई जर्नलिस्ट शोभा कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस का मानना है कि उसका खून उसी अखबार में काम करने वाले नवयुवक सुमित ने किया है। अखबार में काम करने वाले कुछ अन्य लोगों ने कहा सुमित और शोभा अखबार के आर्काइव सेक्शन में अकेले गए थे और फिर उसके बाद वहां शोभा की लाश पाई गई। पर सुमित का कहना है कि शोभा को उसने नहीं बल्कि किसी आत्मा ने मारा है। पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। तो तुम्हें ये लगता है कि इस शोभा को किसी आत्मा ने मारा है? देखिए यार, न्यूज़पेपर में भी लिखा है कि शोभा के चेहरे पे घाव पाए गए, अजीब किस्म के घाव। ऐसा घाव जैसे उसके चेहरे पे अल्फाबेट्स या कोई अक्षर। मुझे नहीं लगता कि ये सुमित का काम हो सकता। हाँ हर्ष, मुझे लगता है राघव ठीक ही कह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है उस जगह पे। तो फिर चलो इस अखबार के ऑफिस में चलते हैं। ये आत्मा ने भी अजीब जगह ढूंढी अपना डेरा लगाने के लिए, न्यूज़पेपर ऑफिस। ये अखबार पढ़ते पढ़ते उसको बुखार नहीं आ जाता होगा क्या? जब आत्मा मिल जाए ना तो थर्मोमीटर से उसका बुखार चेक कर लेना, ठीक है राघव? राघव, हाँ? तुम इस प्यून से उस आत्मा का राज खुलवाने की कोशिश करो, तब तक हम दोनों अंदर जाके आते हैं। पर हम अंदर जाके बोलेंगे क्या? यही कि हमें एक विज्ञापन देने आए हैं।
यार आपकी हिम्मत की दाद देता हूं मैं, ऐसी खतरनाक जगह पे काम करते हुए डरवर नहीं लगता क्या आपको? डर क्यों लगेगा भाई, आत्मा का आत्मा है ना यहाँ पे। आत्मा? कैसी आत्मा? वही जिसने शोभा को मारा था। अरे उस लड़की की मौत किसी आत्मा से नहीं, बल्कि वो सुमित ने मारा था उसे। सुमित ने मारा था? अच्छा, किसी ने ये मौत होते हुए देखा नहीं? अरे सर, इतनी रात को दफ्तर के उस सुमसान आर्काइव रूम में कोई क्यों जाएगा? आर्काइव रूम? इसीलिए तो सुमित ने वो कमरा चुना था शोभा को मारने के लिए। आप मुझे वहां पे लेके जाएंगे ना, आर्काइव रूम में? नहीं सर, उसमें तो ताला लग गया है, पुलिस आई थी ना उस दिन। पुलिस आई थी, तब तो जाना ही पड़ेगा। क्या कहा? नहीं नहीं, वैसे थैंक यू सो मच, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है ठीक है। कुछ पता चला? नहीं ज्यादा तो नहीं, पर यहाँ के आर्काइव रूम में कुछ गड़बड़ जरूर है। तो चलो आज रात चलते हैं आर्काइव रूम। मशीन को क्या हो गया? लाइट्स ऑन करता हूँ। नहीं, लाइट्स मत ऑन करना, वरना बाहर वालों को पता चल जाएगा कि अंदर कोई है। हर्ष, मुझे लगता है मैं थोड़ी सी लाइट ऑन कर लेनी चाहिए, वरना हमारे कैमरे पे कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं इस टेबल लैंप की लाइट ऑन करता हूँ। यहाँ कुछ नहीं। ये मशीन को क्या हो गया है? कितनी बार कहा कि सर्विसिंग करवा लो सर्विसिंग करवा लो, मगर कोई सुनता ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा कि एक न्यूज़पेपर ऑफिस इतना डरावना हो सकता है। जहां पर आत्माओं का साया होता है वो जगह डरावनी ही होती है। पर अगर यहाँ वाकई कोई आत्मा है तो कहाँ है वो, और हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? हो सकता है कि आती हो, हमें एक जगह रुककर इंतजार करना चाहिए।
मेरा हाथ ये चीख कैसे?